वॉल्ट डिज्नी सक्सेस स्टोरी। इन हिंदी 8वीं तक ही पढ़ाई कर पाए और एम्बुलेंस का ड्राइवर बनकर अपनी जिंदगी में कुछ पैसा कमाना चाहा, पर जीवन में सपने बड़े थे, लेकिन हर बार असफलताओं का ही सामना करना पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो गया कि इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहानी है वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डिज्नीलैंड बनाई। वॉल्ट डिज्नी ये हॉलीवुड का एक्टर बनना चाहते थे और 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी खुद की कार्टून कंपनी खोली, लेकिन एक भी कार्टून नहीं बिका और पैसों के चलते इनके पास ना तो खाने के पैसे थे ना ही घर का किराया देने के। जैसे तैसे इनको अपने दोस्तों के साथ अपना जीवन व्यापन करना पड़ा। सब तरफ जब इनके जिंदगी में निराशा और असफलता थी, तब इन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया कि जिससे इनकी जिंदगी की यात्रा ही बदल गई। 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में जन्मे वॉल्ट डिज्नी अपने बचपन से सबसे अलग शौक रखते थे और इनका शौक था कार्टून बनाने का। वॉल्ट डिज्नी सिर्फ 8वीं तक ही पार है थे और हाई स्कूल में भी सिर्फ एक ही क्लास पार है, क्योंकि साल 1918 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। वॉल्ट डिज्नी ने रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर का भी काम किया। इससे पहले ये सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन इनकी आयु कम थी इसीलिए वह भर्ती नहीं हो पाए और इन्होंने बाद में शिकागो अकादमी का फाइन आर्ट्स का कोर्स था उसमें एडमिशन लिया। 19 साल के उम्र में ही इन्होंने अपनी कार्टून कंपनी खोल दी, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि एक भी कार्टून नहीं बिका और जितनी इनकी जमा पूंजी और पैसा था सारा खत्म हुआ और इसके वजह से इनके और बुरे दिन शुरू हो गए। इनकी जिंदगी में ऐसा बुरा समय आया कि इनके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही किराया देने के लिए पैसे थे। तभी कैसे भी करके ये अपना जीवन व्यापना अपने दोस्तों के साथ बिताने लगे, वहीं रहने लगे और वहीं खाने पीने लगे। अगर देखा जाए तो वॉल्ट डिज्नी के जिंदगी का यह एक आर्थिक संकट था और ये उनकी 22 साल की उम्र तक चलता रहा। बाद में इन्होंने एक न्यूज़पेपर में नौकरी की और कुछ दिनों तक न्यूज़पेपर की नौकरी थोड़ी ठीक चल रही थी, तभी उन्हें वहां से भी आलसी और निकम्मा कह के बाहर कर दिया गया। 25 साल की उम्र में इनको एक बार फिर लगा कि अपनी कंपनी बनानी चाहिए, तब इन्होंने अपने गैरेज को स्टूडियो में बदल दिया। एलिस इन कार्टून लैंड और ऑज़वर्ल्ड द लकी रैबिट कार्टून से इन्हें थोड़ी सी सक्सेस मिली, लेकिन वह सफलता बहुत छोटी थी, क्योंकि 1928 को जो इनके सहकर्मी थे उन्होंने वॉल्ट डिज्नी का साथ छोड़ दिया था। एक समय इनकी जिंदगी में ऐसा भी आया जब इनकी जिंदगी ने वापस अपनी लक्ष्य की ओर यू टर्न लिया था। कार्टून बनाने का इनको बड़ा शौक था और एक दिन चलती हुई ट्रेन में इन्होंने एक मिकी माउस कार्टून बनाया जो बाद में आगे चलकर उनकी कंपनी का लोगो बन गया था। मिकी माउस, यही वह कार्टून है जिसने वॉल्ट डिज्नी को पूरी दुनिया घुमा दी और इस कार्टून ने इन्हें रातों रात शोहरत और नाम दिला दी। इस कार्टून को आज भी दुनिया के हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। वॉल्ट डिज्नी को मिकी माउस कार्टून बनाने आइडिया तब आया जब ये अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे और तभी इनके टेबल एक चूहा चौराच आया और तभी उस चूहे की हरकतों को देखकर वॉल्ट डिज्नी को लगा कि उन्हें इस चूहे पर एक कार्टून बनाना चाहिए। फिर उन्होंने मिकी बनाया और उसी ने इन्हें नई बुलंदी की ऊंचाई तक पहुंचाया। अपने भाई रॉय के साथ मिलकर 16 अक्टूबर 1923 में इन्होंने डिज्नी ब्रदर्स नाम की ये कंपनी बनाई थी। शुरुआत में इन्हें बहुत ही घाटा हुआ था, इतनी हालत खस्ता हो गई थी कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी थी। इन दोनों भाई ने जो कंपनी बनाई थी उसने कमाल कर दिया और इसमें इनका साथ दिया मिकी माउस कार्टून का, जिसको बनाने का आइडिया अपने स्टूडियो में आया था। मार्च 1928 की जब इन्होंने प्लेन क्रेजी फिल्म टेस्ट स्क्रीनिंग थी और इसी फिल्म में मिकी माउस दुनिया के सामने आ चुका था। 1928 साल वॉल्ट डिज्नी के लिए संकट का था, क्योंकि सहकर्मी भी उनका साथ छोड़ चुका था और दूसरी इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि इनका जो कार्टून मिकी माउस था उसने कमाल कर दिया था, वो लगभग सेलिब्रिटी का स्तर पा चुका था। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस के बाद प्लूटो, गूफी, डोनाल्ड डक और मिनी माउस जैसे बड़े कार्टून बनाए और इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़ के भी देखा नहीं। इस वक्त भी डिज्नी कंपनी का मेन इनकम का सोर्स वो है, इनका डिज्नी थीम पार्क है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इस वक्त एंटरटेनमेंट कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है।